देखने में तो ये आपको साधारण घी लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा आयुर्वेदिक घी है जो कि घर पर बनाया गया है और इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसको खाने के बहुत ही फ़ायदे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और यमी फूड एंड रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये देखिए, ये 15 दिन की मलाई है, मैंने फ्रीजर में इकट्ठी करके रख रखी है और इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसे बाहर निकाल दिया था 2 से 3 घंटे पहले, ताकि ये नॉर्मल हो जाए, इसका जो ठंडापन है वो निकल जाए। तो इस तरह से देखिए, घी की मलाई जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं ले रही हूँ एक बड़ा सा बर्तन और इस बर्तन में ये सारी मलाई को मैं निकाल लूँगी। जितनी भी इस डब्बे में लगी हुई है ना, सारी मलाई को हम एक चम्मच की हेल्प से निकाल लेंगे। तो उसी तरह दूसरे डब्बे की भी मलाई को निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कितनी सारी मलाई है, लगभग 15 दिनों की मलाई मैंने इकट्ठी कर रखी थी। मलाई को अगर फ्रीजर में रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होती है। अक्सर मलाई को हम हाथ से फेंट कर या मिक्सी से निकालते हैं, तो आज हम इन सभी चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि आज हम इसे इलेक्ट्रिक बीटर से निकालेंगे। जो काम करने में हमें आधे घंटे से ज़्यादा लग जाता है, वो ये इलेक्ट्रिक बीटर सिर्फ 2 मिनट में कर देता है। आप अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से या फिर जो घर में मथानी होती है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। ये सिर्फ 2 मिनट में ही ये घी को पूरा इस मलाई से मक्खन को अलग कर देगा। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये गाढ़ा होता जा रहा है। बिल्कुल देखिए क्या इसमें एकदम क्रीमी टेक्सचर आता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम इसे चलाते जाएंगे, घी से मक्खन बिल्कुल अलग होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक लेयर जैसी बन गई है और मैंने वीडियो को बिल्कुल भी एडिट नहीं किया है। ये देखिए एकदम कंटिन्यू मैं इसे चला रही हूँ और लगभग 1 मिनट में ही देखिए कितना अच्छा इसमें मलाई से मक्खन अलग होने लगा है। तो आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा इसमें एक अलग से ऊपर में लेयर आने लगी है। और देखिए अभी ये और ज़्यादा, थोड़ा सा मैं इसमें भी और आधे मिनट चलाऊंगी और ये बिल्कुल इसका जो दूध है वो अलग हो जाएगा और मक्खन बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से जब मैं कंटिन्यू चलाते जा रही हूँ तो बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। और अब इसमें से जब आप देखेंगे ना, तो बिल्कुल एक तरफ में आपको दूध अलग दिखाई देने लग जाएगा और मक्खन बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो बस इसे इसी तरह चलाते रहें जब तक कि दूध से इससे अलग ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं थोड़े छींटे भी उछल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें दूध अब अलग होने लगा है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल देखिए दूध अलग हो चुका है और मक्खन जो है बिल्कुल एकदम अलग हो चुका है। तो इस टाइम पर अब हम क्या करेंगे, अब हमारा इलेक्ट्रिक बीटर का काम अभी थोड़ा सा और बाकी है, लेकिन लगभग ये पूरा हो चुका है। तो अभी इसमें देखिए बहुत सारा मक्खन लगा हुआ है और अब आप देखिए कितना अच्छा ये एकदम गाढ़ा मक्खन सारा साइड हो चुका है। तो मैं आपको स्पैचुला से भी मैंने दिखा दिया है मक्खन कैसे अलग हो गया है मलाई से। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा पानी, लगभग आधा लीटर के लगभग मैंने पानी इसमें डाल दिया है और स्पैचुला हटा करके एक बार हम इसे और चला लेंगे, ताकि इसमें जो लगा हुआ है इसके जो ब्लेड में वो भी अलग हो जाए। तो बस इस तरह से देखिए मलाई में उसमें दूध मैंने इसमें मिला दिया है, दूध में पानी। और ये देखिए अब इसको मैं जब इस तरह से खाली चलाऊंगी ना थोड़ा सा, तो ये सारा मक्खन इस ब्लेड से अपने आप अलग हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा लगा हुआ, इसे हम स्पैचुला से पूरा निकाल लेंगे। तो हमारा बीटर का काम देखिए कंप्लीट हो चुका है और अब आप देख सकते हैं एकदम अलग हो गया है मक्खन। तो अब हमें इसमें हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हाथों को पहले धोकर के अच्छे से साफ कर ले और फिर इसमें हाथ डाले। तो ये देखिए अब मैं ले रही हूँ एक बड़ी सी कढ़ाई जिसमें मैं घी निकालूंगी। तो उसी में ही मैं ये मक्खन उसमें से सारा निकाल करके अलग कर दे रही हूँ और दूध को उसी में छोड़ दे रही हूँ। ये दूध फेंकना नहीं है, ये दूध के बहुत फ़ायदे हैं। आप इस दूध का छेन फाड़ करके पनीर निकाल सकते हैं या फिर इस दूध में थोड़ा सा दही मिला जामुन डाल करके आप इसका दही भी जमा सकते हैं और फिर उसमें सूजी भिगो करके या फिर किसी भी तरह से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी आप सूजी को भिगो करके कोई भी आप इससे रेसिपी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है। तो इस दूध को फेंकना नहीं है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैं ये मक्खन देखिए आपको दिखा रही हूँ किस तरह से, देखिए मैंने सारा मक्खन इस कढ़ाई में हाथ से निकाल लिया है और अभी आपको लग रहा होगा इसमें बहुत सारा दूध आ चुका है। तो जैसे जैसे हम मक्खन को साइड करते जाएंगे, दूध एक साइड आता जाएगा और उसे वापस से उसी बर्तन में हम निकाल देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक बार हम धो लेंगे, जो इसी में रफेज जो भी होंगे वो सारे निकल जाएंगे। तो देखिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है और एक बार हाथों से इसे मसलते हुए हम अच्छे से धो लेंगे, ताकि जितना भी जो रफेज है वो सारा इससे अलग हो जाए।
तो बस देखिए किस तरह से मैंने इसे हाथों से इस तरह साइड करती जा रही हूँ और रफेज एकदम देखिए कैसे दूध के जैसे एकदम निकल रहा है। तो ये भी हम वापस से उसी भगोने में डाल देंगे और उसे एक साइड रख देंगे। देखिए जिस तरह से हम दबाते जाएंगे ना, ये जितना भी दूध है इसमें से साइड होता जाएगा। तो इस तरह से हमारा गाढ़ा मक्खन बिल्कुल तैयार है। आप इसे इस तरह से भी रख सकते हैं फ्रिज में, और रोटी पर इस तरह से अगर सूखा भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन आज हम इसका बनाएंगे घी, और वो भी आयुर्वेदिक। वो ये घी ऐसा होगा कि 100 गुनों की खान होगा ये घी। जब आप इस घी का यूज़ करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये घी कितना अच्छा है। और ख़ास करके अब देखिए मक्खन का भी देखिए मैं आपको कैसे गोला बना करके दिखाती हूँ। एकदम देखिए लड्डू के जैसे ये मक्खन बन जा रहा है। तो इसका मतलब इसमें बिल्कुल भी अब कुछ भी पानी नहीं है। तो अब हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे। तो गैस पर जैसे ही हम इसे चढ़ाएंगे ना, ये पिघलना शुरू हो जाएगा। ये मक्खन का जो गोला बना हुआ है, ये देखिए कैसे बिल्कुल तुरंत ही तली में जा करके सारा मक्खन एकदम पिघल करके पतला हो जाएगा। तो अभी देखिए ऊपर साइड में जितना भी लगा हुआ है ना, वो सारा देखिए कैसे नीचे उतरता जा रहा है। और अब हम लेंगे एक स्पैचुला, और स्पैचुला से दबाते हुए हम इसे फैला देंगे ताकि इसको पिघलने में बहुत आसानी हो, बिल्कुल जल्दी से पिघल जाए। तो अब इसमें देखिए कैसे पिघलने लगा है। आप देख सकते हैं आधा ये पिघल चुका है। और अब मैं ले रही हूँ स्टील का स्पैचुला, क्योंकि हमें इसे चलाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हमें कंटिन्यू इसे चलाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसे छोड़ देंगे ना, तो क्या होगा कि घी उफन करके बाहर क्यों निकल जाएगा और हमारा घी वेस्टेज चला जाएगा। इसलिए जब भी घी को बनाएं तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए बनाएं, वहीं पर खड़े रहें और उसके साथ ही इसे बनाएं। ये नहीं कि आप इसे चढ़ा करके आप सोचेंगे दो काम कर लें, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और अब हम इसमें एक ऐसी चीज़ मिला रहे हैं जो कि इसके क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। इसके गुणों को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें मिला दिए 8 से 10 पत्ते तुलसी के। तुलसी तो आप जानते ही अपने आप में ही गुणों की खान है, और जब ये घी के साथ मिलकर पक जाएगी ना, तो इस घी में अपनी सारी एंटीबॉडीज़ को छोड़ देगी और घी को बहुत ज़्यादा ही हेल्दी बना देगी। इसमें जितने भी इसके सत्व तो है ना, सारे इसमें मिल जाएंगे और ये घी को बहुत ही हेल्दी बना देगी। तो इस तरह से देखिए ये तुलसी का पत्ता आप जब भी चाहें घी में मिला सकते हैं। तो इससे क्या घी कभी खराब भी नहीं होगा आपका। आप इसे साल भर भी स्टोर करेंगे ना, तो घी आपका एज इट इज़ ऐसा कैसा बना रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं इसमें उबाल आने लगा है और ये देखिए कैसे ऊपर की ओर उठने लगा है। तो इस टाइम से चलाते रहें, जैसे जैसे ये दूध फटेगा एक बार, तो फिर देखिएगा आपकी कैसे नीचे की ओर उतर जाएगा और बिल्कुल मलाई से घी अलग होने लग जाएगा। तो अभी इसे कंटिन्यू चलाते रहें। देखिए आप देख सकते हैं कैसे दाने बनने लगे हैं इसमें, और ये देखिए मलाई मक्खन फटने लगा है और इसे घी थोड़ा थोड़ा सेपरेट होने लगा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके दाने एकदम बिल्कुल फॉर्म हो गए हैं, और देखिए तुलसी भी इसके साथ में ही उबल रही है, और इसका अपना एक टेक्सचर भी इसका बहुत अच्छा आएगा, एकदम दानेदार आएगा। आप चाहे तो इस टाइम एक चुटकी हल्दी भी मिला सकते हैं, लेकिन हमारी घी का देखिए कलर ऐसे ही बहुत ही पीला पीला घी बनेगा। तो ये देखिए घी बिल्कुल अलग हो चुका है, लेकिन अभी ये घी कच्चा है, हमें इसे पकाना है। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये इसका कलर इसमें हल्का सा चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए घी एकदम उबलते हुए एकदम अच्छे से उबल रहा है और घी में अच्छा सा उबाल आ रहा है, लेकिन अभी ये घी पूरी तरह से नहीं पका है। देखिए इसमें एक झाग बनना शुरू हो गया। जब 1 से 2 मिनट आप इसे पका लेंगे ना, तो इसमें देखिए ऐसे झाग बनना शुरू हो जाएगा। मतलब ये घी पकने की दिशा में एकदम कम्प्लीटली होने की दिशा में तैयार हो चुका है। तो लगभग देखिए जैसे ही झाग ऊपर की ओर उठने लगे ना, उस टाइम हल्का सा आपको साइड से समझ में आ जाएगा कि हल्का कलर चेंज हो रहा है। और इसको आप गैस को उसी समय बंद कर दीजिए, क्योंकि घी की में इतनी ज़्यादा हीट होती है कि उससे ही ये पूरा घी पक जाएगा। तो अभी देखिए इसे कंटिन्यू चलाते रहें और इस घी की और फ्लेम को अब बंद कर दें। तो ये देखिए जैसे जैसे झाग ऊपर की ओर आता जाएगा, घी अपने आप पकता जाएगा, लेकिन इसे चलाना बिल्कुल भी ना छोड़ें जब तक कि ये झाग नीचे की ओर बैठ ना जाए। तो आप देख सकते हैं झाग देखिए बिल्कुल नीचे उतर चुका है, और देखिए हमारा घी का जो कलर है वो भी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। घी में जो रफेज थे ना, वो देखिए कितने अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। तो इस जो घी का जो ये मावा निकलेगा ना, आप इसे भी ना फेंके, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप रोटी के आटे में मिला करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसे अच्छी मिठाई भी बना सकते हैं। तो अब हमारा घी बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो अब मैं उसे छानने के लिए मैंने एक स्ट्रेनर पर कपड़ा लगा दिया है मलमल का, ताकि बिल्कुल भी नीचे कुछ ना जाए और बिल्कुल
घी अच्छे से छन जाए। तो अब देखिए मैंने कढ़ाई से इसमें सारा मैं निकाल रही हूँ, तो ये देखिए मैंने सारा इसमें उलट दिया है क्योंकि मैंने बाउल बड़ा लिया है, लगभग 1 kg घी है हमारा, तो मैंने 1.5 kg का ये बाउल लिया है। और इसमें मैं इस कपड़े में देखिएगा ये सारा इस जो उसकी फूई है ना वो सारी इसमें आ चुकी है, और आप देख सकते हैं घी बिल्कुल पीला पीला घी हमारा नीचे की ओर इकट्ठा हो चुका है। तो अब इसमें देखिए अभी भी घी बह रहा है, अभी भी इस कपड़े में बहुत घी है, तो जैसे जैसे हम इसे दबाते जाएंगे ना घी बिल्कुल अलग होता जाएगा। तो इसे बिल्कुल दबाते हुए आप एकदम इसमें से घी पूरी तरह से निचोड़ लें, तो इसे एकदम अच्छे से गोल गोल घुमाते हुए देखिए जैसे जैसे आप इसे घुमाते जाएंगे घी बिल्कुल निकल जाएगा। और ये जो रफेज बची है ये भी हमारे काम आ जाएगी, इसकी भी मिठाई बना करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा घी बिल्कुल रेडी है, ये घी एकदम शुद्ध सात्विक घी है और आयुर्वेद के हिसाब से इस घी का बहुत महत्व है। जब भी आप घी बनाएं ना तो आप ज़रूर उसमें 10 से 15 पत्ते तुलसी के डाल देंगे तो ये घी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, इस घी का बहुत ज़्यादा लाभ बढ़ जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये घी बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ में कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए।